तो भाई लद्दाख ट्रिप से वापस आते साथ ही भाई अपनी गाड़ी को भाई अब सफाई की आ गई है ज़रूरत, तो हम आए भाई डिटेलिंग वो आगरा अपनी गाड़ी की सफाई वगैरह करवाने, मतलब गाड़ी को थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिलवाने भाई, क्योंकि भाई ये गाड़ी हमें इतनी दूर तक लेकर गई है भाई मोंटू। और भाई इस ट्रिप में ना मोंटू इसलिए नहीं गया भाई क्योंकि भाई मोंटू के पेपर थे, है मोंटू वरना चलता तू जाता है यार, तो दुखी बहुत रहता है। तो भैया थोड़ी सी गाड़ी को वॉश वगैरह करवा के ना वैक्स वगैरह करवाते हैं, अपनी गाड़ी को ट्रीटमेंट देते हैं भाई, और इतनी दूर तक गाड़ी हमें लेकर गई है तो ये तो कराना ज़रूरी था ही। खैर ज़रूरी है भाई। हाँ भाई अपनी गाड़ी हो रही है अभी वॉश, फोम वगैरह लग चुका है भाई, और अभी तक बोले तो भाई ठीक ही ठाक कर रहे हैं काम बंदे भाई, और प्राइस वगैरह है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के, उस वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद ना मैंने करवाया गाड़ी वो कराया था मैंने वैक्स भाई, वो भी आपको मैं भी दिखाऊँगा फोटो, तो टोटल मैंने वैक्स करवाया है प्लस वॉश करवाई है, दोनों चीज़ें करवाई हैं, तो उसके बाद आपको बताऊँगा इसका जो फाइनल लुक आपका कैसे। तो अगर अभी गाड़ी वॉश हो जाने दो पूरे और फिर गाड़ी को अंदर जाने दो, फिर देखते हैं क्या लुक आता है अभी। गाड़ी अपनी अंदर आ चुकी है और अपना गाड़ी मोरा हुआ है वैक्स का काम, और बढ़िया ने गाड़ी वाइप कर ली है पूरी। यार ये लाइट का लुक अलग ही आ रहा है, तो मोंटू ये लाइट सा अलग ही लुक आता है, हनीकॉम स्टाइल का है। भाई गाड़ी तो पूरी साफ हो गई है अभी से, खैर धोने के वॉशिंग के बाद भी चमकने से लगी है। We'll be right back.
जितना भी काम हुआ है उस हिसाब से तो भाई सही चल रहा है काम अभी तक। और जो शाइन की बात करें तो भाई शाइन तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा है खैर अभी से, देख रहे हो अभी तक काम हुआ उस हिसाब से कैसा लग रहा है? सही है। तो मैं ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना पूरा डिटेल वगैरह डाल दूँगा, आप आगरा में आके यहाँ पर करवा सकते हो डिटेलिंग वगैरह काम। और ये वीडियो जो है वो एकदम भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, हम एकदम से आए हैं और तुरंत काम करवाने लगे हैं। तो एक बार देखते हैं जब इसका फाइनल डिटेल निकल के आता है। और अभी हमने ना इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करवाई है, हेडलाइट में ना जो हमारे में क्रोम लगा हुआ था ना, हेडलाइट में जो क्रोम लगा हुआ था वो वाला क्रोम भी का कुछ दाग रह गए थे, तो वो दाग भी हमने ना वो करवाया है। दाग हटाने के लिए हमने हेडलाइट से हेडलाइट ट्रीटमेंट करवाई है, क्या करवाया है, ग्लास की सफाई करवाई। हाँ, ग्लास की सफाई कराई है, वो भी हमने करवाया है। सो एक बार उसका भी आपको हम चेकआउट करवाएंगे कि क्या करवाएंगे। चल रहा है और मोंटू भाई पूरी गाड़ी का इंस्पेक्शन कर रहा है। क्यों मोंटू, गाड़ी कैसी लग रही है अभी भाई? शोरूम से उठ के आई, शोरूम से एकदम धक्के पता नहीं पड़ गया है यार। हां यार, गाड़ी अभी तक तो भाई बड़ी साफ सी हो गई है, और हेडलाइट पे जो मैंने ट्रीटमेंट करवाया था ना उससे ये देखो क्रोम में जो दाग लगे थे, क्रोम के मतलब के हेडलाइट में लगे थे, वो दाग भी गायब हो चुके हैं पूरे भाई। भाई फाइनल डिटेलिंग वगैरह चल रही है हल्की फुल्की, और शीशा भी साफ होना बाकी है। पहले यार मेरे यहाँ पर दाग लगा हुआ था क्रोम का भाई, जो मैंने अभी डिटेलिंग वगैरह करवाई है उसमें ना ये सारे दाग भी क्लियर हो चुके हैं भाई। एक बार काम पूरा कंप्लीट हो जाने का फिर मैं आपको फाइनल रिव्यू देता हूँ गाड़ी कैसी, कितना खर्चा आया और क्या क्या हुआ है। अपनी गाड़ी का जो वॉशिंग एंड डिटेलिंग का काम था ना वो हो चुका है। और एक चीज़ जो बताऊँ, वर्थ ऑफ पैनी है, मतलब कि आप जितना खर्च किया ना जितना आपने मनी इस चीज़ के ऊपर वो पूरी वर्थ है। अब देख लो यार, मतलब कि हमने गाड़ी बाहर में इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, वो कि असली जो लाइट है ना वो बाहर में पता चलती है कि आउटडोर सिचुएशन में लाइट कैसी दिखाई देगी। सो अगर मैं बताऊँ इस चीज़ में ना टोटल जो कॉस्ट लगी है भाई मेरी वो लगी है भाई 3500 रुपये। आप जब आओगे ना तो शायद कॉस्ट दूसरा हो सकता है, मेन बात है ना जो इसमें रीज़न होता है वो होता है जो इसमें प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। अब जिस टाइम पे ये प्रोडक्ट इसमें यूज़ हुए तब कॉस्ट की जितनी चल रही थी वो आपको मैंने बता दी 3500 रुपीज़। अगर आप आओगे ना कॉस्ट थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर हाँ इतना भी ज़्यादा नहीं होगा। और मैं बात बोलूँ यार, हाँ भाई वर्थ है भाई, टोटल वर्थ है बिल्कुल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। बंद हो जा भाई। सो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है इसकी।